Hey guys, this is Dr. Sharun. I did my MBBS from AFMC Pune और आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नीट पड़ी। हर एक नीट एस्पिरेंट को ये डाउट आता ही आता है कि कौन कौन सी बुक्स हैं जहाँ से हम पढ़ाई करें। एक बेसिक बुक दैट इज योर NCERT इज ऑब्वियसली देयर, उसके अलावा और कौन कौन सी बुक्स है जहाँ से आप पढ़ रहे ताकि आपके नीट में अच्छे मार्क्स आ सके। इस डाउट को आज के हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी फॉर नीट 2016 बिकॉज ऑफ विच आई कुड क्रैक नीट एंड टेक एडमिशन इन AFMC पुणे, आपको मैं उन बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। सो गाइज, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट की बुक्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये बुक्स आप लोग अपने हिसाब से, जो आपकी कन्वीनियंस है, जो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगे, वो आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, देन डू शेयर इट विद योर अदर नीट एस्पिरेंट्स एंड फ्रेंड्स एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। Now, जैसा कि हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक नीट एस्पिरेंट को पता है कि द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट बेसिक बुक इज योर NCERT, जो CBSE की NCERT ऑफ ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, ऑफ फिजिक्स, ऑफ बायोलॉजी, ऑफ केमिस्ट्री, तीनों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बायोलॉजी की। बायोलॉजी में 360 मार्क्स जो बायोलॉजी के आते हैं नीट एग्जाम में, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ दोस 360 मार्क्स विल बी फ्रॉम NCERT बायोलॉजी। सो NCERT बायोलॉजी आप लोग को रटी हुई होनी चाहिए। बाई रटी हुई होनी चाहिए, आई डोंट मीन कि आंख बंद करके आपने रट लिया। आप NCERT बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन जितनी बार पढ़ोगे, आपको रियलाइज होगा कि कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आ रही है, कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, याद करने को मिल रहा है। लाइन बाय लाइन NCERT आप लोग को बार बार पढ़नी है। एक बार पढ़ ली, दो बार पढ़ ली, तीन बार पढ़ ली, चार बार पढ़ ली, पांच बार, छह बार, जितनी बार हो सके NCERT से आप नोट्स बनाओ और NCERT को बार बार पढ़ो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस NCERT से ही आएंगे। घुमा फिरा के दो तीन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स मिला के डायग्राम के नीचे से, डायग्राम से क्वेश्चन डिराइव करके, कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन आना ही आना है NCERT बायोलॉजी से सबसे ज्यादा। सो NCERT बायोलॉजी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये तो आपको अच्छे से पढ़नी ही है। उसके बाद NCERT केमिस्ट्री क्लास 11th और क्लास 12th, दोनों के केमिस्ट्री बुक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ केमिस्ट्री में थोड़े बहुत बाहर से क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत बाहर से आएंगे, रिएक्शंस थोड़े बहुत बाहर से आ सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो NCERT क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री में दिया गया है, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बन के आएंगे। अगर कुछ चीज बाहर से भी आ रहा है तो उसी कॉन्सेप्ट का वो एक्सटेंशन होगा। इसीलिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आप लोग को पढ़ने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं, ये आपको NCERT से ही पता चलेगा। सो NCERT क्लास 11th एंड क्लास 12th केमिस्ट्री भी आपको अच्छे से पढ़नी है। नाउ द कैच ओवर हियर इज फिजिक्स। फिजिक्स क्लास 11th क्लास 12th में चीजें दी गई हैं, लेकिन उतने अच्छे से समझाई नहीं गई है। सो ऑब्वियसली फिजिक्स के लिए आपको बहुत सारी एडिशनल बुक्स यूज करनी ही पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट्स आप सिर्फ NCERT से फिजिक्स के नहीं बना सकते। आपके क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, बुक्स में एडिशनल क्या क्या दी गई है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, तब जाके आप NCERT का जो टॉपिक्स है वो अच्छे से ग्रैप कर पाएंगे। टॉपिक्स NCERT से ही आएंगे, लेकिन NCERT में जिस तरीके से समझाया गया है वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट है फिजिक्स का। इसीलिए आपको बाकी बुक्स फिजिक्स की तो चाहिए ही चाहिए। फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में NCERT पहले खत्म करनी है, फिजिक्स में NCERT से, NCERT में टॉपिक्स जो दिए वो देखने हैं, उसके बाद जो मैं बुक्स बताने वाला हूँ आगे, वो बुक्स से आपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने, और NCERT के एग्जाम्पल्स, गाइज एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। चाहे उसमें कॉन्सेप्ट आपके बैठे ना बैठे, NCERT के कॉन्सेप्ट आप अच्छे से बिठा पाए ना बिठा पाए, टॉपिक्स देखने और टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स आपको करने ही करने हैं। कॉन्सेप्ट आप किसी दूसरी किताब से बैठा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चंस हैं NCERT के, वो मिस नहीं होने चाहिए। सो सबसे पहले गाइस, जैसे मैंने बता दिया, NCERT बायोलॉजी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर NCERT बुक। लेकिन NCERT पढ़ने के बाद क्या क्या पढ़ सकते हैं आप, वो आपको मैं बताऊंगा। सो देयर इज ट्रूमैन्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी,
पार्ट वन एंड पार्ट टू दीज आर स्पेसिफिकली मेड फॉर द नीट। तो बेसिकली इसमें है क्या, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी इस किताब से। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा, जो चीज समझ नहीं आ रही एनसीईआरटी बायोलॉजी से, वो चीज यहाँ से पढ़िए। अब एनसीईआरटी में जो दिया है उसका 3 टाइम्स 4 टाइम्स इन बुक्स में दिया गया है, जो भी मैं बुक्स आपको बताऊंगा उन बुक्स में 3 टाइम्स 4 टाइम्स दिया गया है, ठीक है। तो आप ये पूरी की पूरी चीज तो नहीं पढ़ सकते। सो एनसीईआरटी से जो जो टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं वही आप बाहर से पढ़ेंगे, बाकी सब बायोलॉजी आप एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे। इसके अलावा देयर इज दिनेश पब्लिकेशन ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, मैंने ये दोनों में से कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने एनसी बायोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी किया था। और उसके साथ एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स करके एक बुक आती है जो कि आपको मैं बताऊंगा, वो मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी बुक्स आपको हेल्प करेंगी कॉन्सेप्ट डेवलप करने में। प्रदीप हो गया, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, जीआरबी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी होगी, उससे पहले दिनेश, दिनेश इज अ वेरी पॉपुलर बुक फॉर ऑल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सिर्फ नीट नहीं, सारे के सारे जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में दिनेश इज अ वेरी पॉपुलर बायोलॉजी बुक। सो दिनेश अगर आप लेंगे, 4-5 किताबें हैं उसकी, दे आर नॉट वेरी थिक, मतलब जो बाकी आप देखोगे तो 2 वॉल्यूम में बहुत मोटी मोटी किताबें दे देंगे आपको बाकी सारे पब्लिशर्स, लेकिन दिनेश की अगर आप बात करोगे तो दिनेश पब्लिकेशन आप जब आप देखोगे तो 4-5 किताबें हैं उनकी, और उन 4-5 किताबों में आपको मेजोरिटी ऑफ चीजें मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, ये सारी बुक्स आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल है, सारी की सारी बुक्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। दिस इज द बुक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट जो कि मैंने यूज की थी, MTG ऑब्जेक्टिव एनसीआरटी एट योर फिंगर टिप्स। इस बुक में आपको एनसीआरटी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपने एनसीआरटी एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी, उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब ये बुक सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सिंपल लाइन से भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनसीआरटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको डेली बायोलॉजी एमसीक्यूज बहुत जल्द 2024 नीट के लिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे, तो वो भी हम प्योरली एनसीआरटी बेस्ड ही देंगे, तो वहां पे भी एनसीआरटी की बहुत सिंपल सिंपल लाइन से आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। लेकिन ये जो बुक है आपकी, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बुक है। सो एनसीआरटी के साथ साथ ये एक प्रैक्टिस बुक, MTG ऑब्जेक्टिव एनसीआरटी एट योर फिंगर टिप्स फॉर योर प्रैक्टिस, ये दो बुक तो आपने करनी ही करनी है। उसके साथ साथ जो मैंने 4-5 किताबें बताई उसमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं एज योर रेफरेंस। अगेन आई एम टेलिंग यू, उस किताब से सारी चीजें नहीं पढ़नी है, यू हैव टू जस्ट यूज दैट बुक एज योर रेफरेंस। पढ़ाई आपने सारी की सारी एनसीआरटी से ही करनी है। नेक्स्ट कम्स योर केमिस्ट्री। अगेन केमिस्ट्री में सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपने एनसीआरटी से ही बनाने, लेकिन प्रैक्टिस एनसीआरटी से नहीं हो पाएगी आपकी केमिस्ट्री की। बहुत सारी चीजें एनसीआरटी में दी गई है, लेकिन नीट एग्जाम में एनसीआरटी के बाहर से भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए अगेन आपको दूसरी बहुत सारी किताबें यूज करनी पड़ेगी। अब केमिस्ट्री में भले ही कोई भी बोल दे कि एनसीआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट्स नॉट इनफ। एनसीआरटी के साथ साथ आई विल टेल यू देयर इज वन मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री, दिस इज द केमिस्ट्री का बुक दैट आई हैड यूज्ड एज वेल इन 2016 फॉर माई केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स। सो आई डिडंट टेक एनी कोचिंग, मैं किसी कोचिंग में नहीं गया था, मैं किसी ट्यूशन में नहीं गया था, सेल्फ स्टडी से ही मैंने नीट क्रैक किया था। सो फॉर दैट सेल्फ स्टडी क्रैक करने के लिए यू नीड टू हैव रिसोर्सेस, है ना, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास, बुक्स होनी चाहिए। सो केमिस्ट्री का एक बहुत ही रिलायबल बुक जो मेरे को यूज कर दिया था मैंने, दैट वॉज मॉडर्न एबीसी। इसके अलावा देर इज जीआरबी टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एंड देर इज ऑल्सो अरिहंत प्रिपरेटरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अरिहंत ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री। अरिहंत ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री आप लोग को किताब जुगाड़नी है, किताब लेनी है, इससे आप लोग को केमिस्ट्री प्रैक्टिस करनी है। मैंने केमिस्ट्री के लिए 3 बुक्स यूज की थी, एनसीईआरटी क्लास 11th 12th, उसके साथ साथ मैंने एबीसी मॉडर्न एबीसी ऑफ केमिस्ट्री यूज की थी। ये सारी बुक्स मेरे पास अभी भी बहुत सिक्योरली रखी हुई है, एंड उसके साथ साथ मैंने नीट प्रिपरेटरी सीरीज जो अरिहंत की है ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री ये सॉल्व की थी। बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी है, फिजिक्स में अरिहंत का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स है, एंड केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री है। ये तीनों बुक आप अरिहंत की लिए, इन तीनों बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, एम्स, नीट, जिपमर, AFMC, AIPMT बिफोर 2015, आफ्टर 2015, सारे के सारे क्वेश्चंस के इसमें कंपाइलेशन है।
तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। सो केमिस्ट्री के लिए व्हाट आई यूज वाज एनसीईआरटी, उसके साथ एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, एंड उसके साथ साथ मैंने अरिहंत की बुक्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ केमिस्ट्री यूज की थी। इसके अलावा गाइज अगेन आई विल टेल यू, आप कोई भी जो आपको सराउंडिंग में अवेलेबल है बुक वो आप यूज कर सकते हैं। बस द क्वेश्चन, बस द थिंग इज दैट यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम दोज बुक्स, एंड दोज बुक्स शुड बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। Next is a subject which is one of the most interesting subjects but also one of the most scariest subjects for the NEET aspirant, that is your physics. अब physics में जैसे कि मैंने बताया NCERT से तो concept बनाने बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए बहुत सारी books आपको use करनी ही करनी है, additional book कोई ना कोई आपको use करनी ही करनी है। Again, मैं यहाँ पे कोई book आपको promote नहीं कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं, सारी की सारी बुक्स आपके कॉन्सेप्ट बनाने में आपको मदद करेंगी। तो ओनली थिंग इज यू हैव टू डिसाइड कि कौन से बुक से आप ज्यादा आसानी से समझ पा रहे हो। हर एक ऑथर का अपना एक बताने का तरीका है, अपने बताने का ढंग है। जो मेरे को बुक सही लगी थी वो आपको बुक सही ना लगे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सो जस्ट ट्राई आउट डिफरेंट बुक्स एंड गो विद द बुक दैट सूट्स यू द मोस्ट। सो मोस्ट पॉपुलर बुक फॉर फिजिक्स इज एच सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट वन एंड पार्ट टू बोलो, वॉल्यूम वन या वॉल्यूम टू बोलो, जिसमें आप क्लास 11th और क्लास 12th के कॉन्सेप्ट अच्छे से बना सकते हैं। इसके अलावा द बुक दैट आई हैड यूज्ड वाज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय प्रदीप्स फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। प्रदीप पब्लिकेशन की ये बुक है, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों क्लासेस में दो दो वॉल्यूम में ये किताब आती है। मैंने ये प्रदीप की किताब से पढ़ा था, आई डेंट हैव एच सी वर्मा, एच सी वर्मा मैंने यूज नहीं की थी, मैंने प्रदीप फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स यूज की थी। एंड ये मैंने क्लास 11th और क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली यूज की थी, नीट के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं की थी इस किताब से। इस किताब में कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आप साइड बाय साइड सॉल्व कर सकते हैं, तो कॉम्पिटिशन के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन इस किताब से मैंने क्लास 11th और क्लास 12th के फाइनल बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, एंड दिस बुक रियली हेल्प्ड मी इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन क्लास 12th बोर्ड्स। सो गाइज प्रदीप की दो किताबें आती है, आपकी नीट के लिए स्पेसिफिकली भी आती है, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट करके, तो बुक का नेम इज ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट, यू कैन यूज दैट बुक एज वेल। बट कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से बनाने हैं तो प्रदीप फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स यूज कीजिए ऑफ 11th एंड 12th बोथ। इसके अलावा देयर इज अरिहंत के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बैंक, जैसे केमिस्ट्री में थे, डीसी पांडे के ऑब्जेक्टिव फिजिक्स करके दिस बुक इज देयर विच विल गिव यू कॉन्सेप्ट एज वेल एज द क्वेश्चन बैंक, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक आपका आ जाएगा अरिहंत का। सो गाइज फिजिक्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट रिफ्रेश होंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट पे होल्ड स्ट्रांग होगा, और जितना आपके कॉन्सेप्ट पे होल्ड स्ट्रांग होगा उतनी आसानी से आप नीट में क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में। एंड गाइस बायोलॉजी हर एक नीट एस्पिरेंट का स्ट्रांग होगा, बिकॉज वो डॉक्टर बनना है इसलिए चाहता है क्योंकि उसको बायोलॉजी पसंद है, तो बायोलॉजी स्ट्रांग होगी ही होगी। द वीक पॉइंट इज फिजिक्स, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ, देन यू हैव एन प्लस पॉइंट ओवर अदर नीट एस्पिरेंट्स। सो आपको फिजिक्स स्ट्रांग बनानी ही बनानी है। इनमें से कोई भी बुक आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सूट करे, जिससे आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सके, जो आपको अच्छे से समझ आए, और वहां से अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करके नीट की प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। And finally, previous year papers. Now, previous year papers is one of the most important things in the practice and preparation for the NEET exam. Because कई बार ऐसा होता ही होता है कि previous year questions में से कुछ न कुछ सवाल आने ही आने हैं। उस concept में या तो वैसे के वैसे similar सवाल आ जाएंगे या उस concept के ऊपर आपके दो तीन सवाल आ जाएंगे। So guys, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आप लोगों ने सॉल्व करने ही करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। सो बुक्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो आपको सोल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप वो प्रीवियस ईयर पेपर्स खरीदे, वो बुक्स खरीदे। आपको ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स में ये इजिली डाउनलोडेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी लिंक बना के, गूगल ड्राइव लिंक बना के मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, ताकि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कहीं और से जुगाड़ने ना पड़े, कहीं और से अरेंज ना करना पड़े, एक ही जगह आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स नीट के मिल जाए। लेकिन अगर आपको मेहनत ज्यादा करनी नहीं है, नेट में ज्यादा सर्च नहीं करना है, और सीधा सीधा प्रीवियस ईयर पेपर्स विथ सोल्यूशन चाहिए, देन दीज आर द बुक्स।
अरिहंत 12 ईयर सॉल्व पेपर्स आप ले सकते हो, या एमटीजी का नीट एक्सप्लोरर करके है, पास 17 ईयर्स देन प्लस मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये जो मैंने फोटो डाली है, दिस इज अ ओल्ड फोटो, नीट 2023 जो रीसेंट नीट है उसका भी जो लेटेस्ट एडिशन आएगा, एमटीजी और अरिहंत सारे के सारे पब्लिशर का जो लेटेस्ट एडिशन आने वाला है उसमें वो जरूर 2023 का क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड करेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी इंक्लूड करेंगे। सो या तो आप ऑनलाइन वो क्वेश्चन पेपर ढूंढिए, उसके सॉल्यूशंस ऑनलाइन ढूंढिए जो कि बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, ज्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप ये बुक्स खरीद सकते हैं, या मैं आपको लिंक बहुत जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू जाके सारे के सारे गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आई विल टेक सम टाइम टू एक्यूमुलेट दोस क्वेश्चन पेपर्स गाइस। सो दैट वुड बी ऑल इन दिस वीडियो गाइस, इट्स अ लॉन्ग वीडियो बट अ वेरी यूजफुल वन। कौन कौन से बुक्स मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से पब्लिशर्स बताए हैं, कौन कौन से मैंने यूज किए थे फॉर माई नीट प्रिपरेशन एंड माई क्लास 12 प्रिपरेशन। बाई द वे, फॉर दोज हु वॉन्ट टू नो, माई क्लास 12 मार्क्स वॉज 98.4, आई डिड फ्रॉम APS लखनऊ। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। सारी बुक्स मैंने आपको बता दी, जो मैंने यूज की थी वो भी बता दी, उसके अलावा ऑप्शंस भी आपको मैंने दे दिए। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, एंड गाइस इफ यू आर न्यू आउट देयर डू गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई प्रॉमिस आई विल बी रेगुलर ऑन दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम नाउ, आई प्रॉमिस यू गाइज दैट, बट गाइज डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू आउट देयर। सो दैट वुड बी ऑल गाइज, आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।